नन्ही कलियों को मसलने वाला दरिंदा अंजाम को पहुंचा। कसूर की जैनब समेत 8 बच्चियों के कातिल इमरान को कोट लखपत जेल में तख्तेदार पर लटका दिया गया। मुजरिम को जैनब के वालिद की मौजूदगी में फांसी दी गई। कोई मेरे साथ बात नहीं की। जब वो फांसी घाट पर उसको लाया गया है, वो खुद चल के आया है, बेखौफ वो बेखतर वो चल के आया है। उसके चेहरे पर बिल्कुल जरा नदामत या खौफ नहीं था। इस तरह का ये दिखता था, पता चल रहा था कि मुझे फांसी दी जा रही है। उसके चेहरे पर बिल्कुल मामूली रत्ता रत्ती भर भी खौफ नहीं था। अपने सामने मुजरिम की फांसी देखकर इत्मीनान हो गया। चाहते थे सरेआम फांसी हो। मुजरिम की फांसी के बाद जैनब के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। फांसी के वक्त मुजरिम के चेहरे पर कोई खौफ और नदामत नहीं था। सरेआम फांसी के कानून को बहाल करवाने के लिए पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान। उनके लिए ये एक इबरतनाक पैगाम है कि ये जिस तरह इसको अभी ये अपनी इबर को पहुंचा है, इस तरह का जो भी घिनौना जुर्म फेल करेगा उसका यही असर होगा, उसको इसी तरह इबरत बनाया जाएगा। पार्लियामेंट से में हम रब्ता करेंगे और इस कानून को हम पास कराएंगे ताकि ये इन जरायम का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। अल अज़ीज़ियर फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुँच गए। GIT सरबरा वाजिद ज़िया का बयान जारी रहेगा। कौमी असेंबली का गर्मा गर्म इजलास आज होगा। प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत अपोजिशन लीडर को असेंबली इजलास में लाया जाएगा। शहबाज शरीफ को नैब लाहौर से रावलपिंडी ऑफिस रवाना कर दिया गया। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों रुपए की करप्शन का केस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन फिशरमैन सोसाइटी निसार मोराई समेत 3 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी।